हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीडीएनए सिंथेसिस के बारे में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि सीडीएनए लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है, वहां पर हमने देखा था कि सीडीएनए का निर्माण नॉर्मली और वो देखा था वहां पर कैसे किया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक्चुअली सीडीएनए बनता कैसे है। देखिए सीडीएनए क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है। किसी भी कोशिका में डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। और एमआरएनए से एमआरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, इनिशियल एमआरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, इंट्रॉन और एक्सॉन। क्या प्रेजेंट होते हैं, इंट्रॉन और एक्सॉन। जो इंट्रॉन होती है वो क्या होती है, इंट्रॉन क्या होती है, इंट्रॉन होती है नॉन कोडिंग सीक्वेंस। कैसी सीक्वेंस होती है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। और जिस एमआरएनए में इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं प्री एमआरएनए या इमेच्योर एमआरएनए। क्या बोलते हैं, प्री एमआरएनए। अब प्री एमआरएनए से क्या होता है, ये इंट्रॉन्स को निकाला जाता है जब भी बाद में ट्रांसलेशन होता है। देखिए डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को तो क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को। फिर इसमें जो इंट्रॉन्स को निकाला जाता है, प्री एमआरएनए से इंट्रॉन्स को निकाला जाता है और सिर्फ एक्सॉन्स बच जाते हैं। क्या बच जाते हैं, सिर्फ एक्सॉन बच जाते हैं, जो कोडिंग सीक्वेंस बचती है, सिर्फ जीन की कोडिंग सीक्वेंस बचती है। तो इसको बोलते हैं हम, यहां पर क्या बन गया हमारे पास, मैच्योर एमआरएनए। क्या बन गया, मैच्योर एमआरएनए, ठीक है, मैच्योर एमआरएनए बन गया। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इंट्रॉन्स को निकालने की प्रक्रिया। देखिए इंट्रॉन्स निकल गई, इसको बोलेंगे हम क्या, इंट्रॉन्स निकालने की प्रक्रिया को बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग। अब देखो ये हमारे पास ये मैच्योर एमआरएनए बच जाता है, कभी भी ये किसी कोशिका में हमारे पास मैच्योर एमआरएनए बन गया। अब इसमें जो भी जीन है वो कैसे है, कोडिंग जीन है, कोडिंग सीक्वेंस है। अब इस एमआरएनए से हम क्या कर लेते हैं, इस एमआरएनए को आइसोलेट करके उससे वापस से डीएनए बनाते हैं और उस डीएनए को हम कल्चर करते हैं या उस डीएनए की हम क्लोनिंग करके नए किसी भी होस्ट में इंसर्ट करवा के उसका कल्चर कर लेते हैं और जब भी उसकी आवश्यकता होती है तब भी हम उसको यूज में लेते हैं। अब ये जो एमआरएनए बन गया, इस एमआरएनए वापस से हम क्या कर लेते हैं, डीएनए का निर्माण कर लेते हैं। और एमआरएनए से वापस से डीएनए का निर्माण करना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो डीएनए से आरएनए बनाना तो क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से वापस से डीएनए बन जाए उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इस ये जो डीएनए बनता है उस डीएनए को बोलते हैं सीडीएनए। सीडीएनए और उस डीएनए, ये तो नॉर्मल डीएनए है जिसमें हमारे पास कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों प्रेजेंट होते हैं और सीडीएनए में सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। अब देखो ये तो हमने देख लिया ओवरव्यू, इसका इसका एक एक स्टेप, जैसे एमआरएनए को आइसोलेट कैसे किया जाता है और एमआरएनए से सीडीएनए का सिंथेसिस कैसे किया जाता है वो देखते हैं। इसमें जो दो मेन स्टेप है वो कौन सी है, सबसे पहले कि एमआरएनए का आइसोलेशन कैसे किया जाता है, फिर देखेंगे कि एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा सीडीएनए कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं एमआरएनए का आइसोलेशन। देखिए एमआरएनए का आइसोलेशन हमें जब भी किसी भी सेल का हमें एमआरएनए आइसोलेट करना है, जैसे अलग अलग सेल के लिए अलग अलग सीडीएनए लाइब्रेरी बनेगी, जैसे अलग अलग टिश्यू में अलग अलग जीन एक्सप्रेशन होते रहते हैं और अलग अलग स्टेज में एम्ब्रियोनिक स्टेज में अलग जीन एक्सप्रेस होंगे, एडल्ट स्टेज में अलग जीन एक्सप्रेस होंगे। तो जिस भी सेल का हमें एमआरएनए आइसोलेट करना है उस सेल से हमें पहले टोटल आरएनए को आइसोलेट करना होगा। टोटल आरएनए को आइसोलेट कर लेते हैं। टोटल आरएनए में क्या कौन कौन से आरएनए हो सकते हैं, जैसे एमआरएनए तो हो गई एमआरएनए के साथ टीआरएनए, आरआरएनए, एसएनआरएनए, एसआईआरएनए, एसएनओआरएनए, कई प्रकार के आरएनए इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इन सभी आरएनए से हमें कौन सा आरएनए चाहिए, एमआरएनए। एमआरएनए को कैसे आइसोलेट करते हैं, ये जो भी मिक्सचर होता है उसको मिक्सचर बना लेते हैं बफर सॉल्यूशंस में। फिर उस सॉल्यूशन को हम किसके द्वारा, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एक मेथड होती है, इस मेथड के द्वारा हम एमआरएनए को आइसोलेट करते हैं। देखिए इस मेथड में क्या किया जाता है, हमें पता होना चाहिए कि एमआरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, एक पोली ए टेल प्रेजेंट होती है। एमआरएनए के 3' एंड पर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोली ए टेल, यानी बहुत सारे एडेनिन उसमें, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं।
अभी लास्ट में थ्री प्राइम एंड पर पोली ए टेल पाई जाती है। पोली ए टेल किससे बाइंड हो सकती है? पोली यू या पोली टी से। किससे बाइंड हो सकती है? पोली यू या पोली टी से बाइंड हो सकती है। तो एक कॉलम होता है, उस कॉलम में क्या किया जाता है, इस प्रकार के पोली यू सेफरोज या पोलिगोटी सेलुलोज काम में लिए जाते हैं, जिसमें क्या होती है, जैसे ये एक बीड है, सेलुलोज की बीड है, इस बीड के ऊपर क्या जुड़े हुए हैं, ओलिगोटी यानी यहां पर थायमिन ये न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं। अब इस थायमिन न्यूक्लियोटाइड में हमने मिक्सर डाल दिया पूरा टोटल आरएनए, टोटल आरएनए का जिसमें सभी प्रकार के आरएनए प्रेजेंट है, उनमें से बाकी आरएनए तो निकल जाएंगे क्योंकि वो जुड़ नहीं पाएंगे, लेकिन जो एमआरएनए, क्योंकि एमआरएनए पर क्या प्रेजेंट है, जैसे ये एमआरएनए है, एमआरएनए की थ्री प्राइम एंड पर क्या प्रेजेंट है, पोली ए टेल, और पोली ए टेल बेस किससे कर लेगी, पोली टी ओलिगोटी या पोली सेफरेज से क्या कर लेगी, बेस बेयरिंग कर लेगी। अब जैसे ही पहले हम ऊपर से मिक्सर डालेंगे तो ये बाकी एमआरएनए सारे जितने भी आरएनए वो सारे निकल जाएंगे पहले इल्यूशन में, फिर बाद में क्या करेंगे, अभी यहां पर पहली बार में तो ये बीड्स के साथ चिपक जाएंगे क्या, ओलिगोटी सॉरी हमारे एमआरएनए। अब एमआरएनए को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पीएच में चेंज करेंगे या इसके टेम्परेचर में चेंज करेंगे। जैसे पीएच और टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो ये क्या करेगा, ओलिगोटी सेलुलोज से या इन से ब्राइमर से क्या हो जाएगा, बेस पेयरिंग टूट जाएगी और एमआरएनए का आइसोलेशन हो जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एमआरएनए। तो इस प्रकार से तो किया जाता है एमआरएनए का आइसोलेशन। अब एमआरएनए का आइसोलेशन कर लिया, अब एमआरएनए से हमें क्या बनाना है, सीडीएनए, और एमआरएनए से सीडीएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एमआरएनए के 5 प्राइम और 3 प्राइम के बारे में। 5 प्राइम पर तो क्या होती है, जीके प्रेजेंट होती है, और 3 प्राइम पर क्या प्रेजेंट होता है, पोली ए टेल प्रेजेंट होती है। अब हमें जब भी डीएनए सिंथेसिस करना होता है तो डीएनए सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट आवश्यक है, तो यहां पर टेम्पलेट के रूप में कौन काम करेगा, एमआरएनए काम करेगा, और एमआरएनए को टेम्पलेट के रूप में कौन यूज लेता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो सबसे पहले जब भी हम डीएनए का नए डीएनए का सिंथेसिस करते हैं तो उसको प्राइमर की आवश्यकता होती है, तो यहां पर हम प्राइमर कौन सा यूज में लेते हैं, ओलिगोटी प्राइमर, क्योंकि हमें पता है थ्री प्राइम पर पोली ए टेल जुड़ी हुई है, तो ओलिगोटी प्राइमर आसानी से खुद ही जाकर जुड़ जाएगा। तो हम प्राइमर ऐड करते हैं मिक्सचर में, मिक्सचर में प्राइमर कौन सा ऐड करेंगे, ओलिगोटी, यानी जो आसानी से पोली ए टेल से जुड़ सके। फिर बाद में यूज में लेते हैं हम कौन सा एंजाइम, एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या होता है, ये आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज में लेते हुए उसके सामने नए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का सिंथेसिस कर सकता है। तो इसको ये प्राइमर मिल गया और यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस प्राइमर पर जुड़ेगा और 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में नए डीएनए का सिंथेसिस बना दिया। अब ये जो ये देखो, यहां पर नए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का सिंथेसिस हो गया। अब ये डीएनए का सिंथेसिस हो गया, अब यहां तक कंप्लीट डीएनए का सिंथेसिस कर देगा। अब ये जो हमारे पास बना उसमें एक स्ट्रैंड तो आरएनए का और एक स्ट्रैंड डीएनए का है, तो इसको बोलते हैं हम आरएनए डीएनए हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, आरएनए डीएनए हाइब्रिड। ये हमारे पास क्या बन गया, आरएनए डीएनए हाइब्रिड। अब इस आरएनए डीएनए हाइब्रिड में हमें आरएनए को रिमूव करना होगा क्योंकि हमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं चाहिए, हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए। तो हम इसको रिमूव करते हैं, जो आरएनए है उस आरएनए को हम डिग्रेड कर देते हैं आरएनए एच एंजाइम के द्वारा या ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा, कोई भी एल्केलाइन के मीडियम के द्वारा। जैसे ही एल्केलाइन का ट्रीटमेंट देंगे हम तो ये जो आरएनए है वो डिग्रेड हो जाएगा। अब यहां पर जो इसके ऊपर दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का सिंथेसिस होगा उसके लिए नया एंजाइम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। कौन सा आएगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना था उसके ही थ्री प्राइम को एज ए प्राइमर का प्राइमर यूज लेते हुए उसको वहीं से घुमाकर क्या बना देता है, उसके सामने दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का सिंथेसिस कर देता है। अब इसके कारण क्या होता है, उसी के एंड को, अब यहां पर नया प्राइमर नहीं जुड़ता है, उसी के एंड को लिया तो यहां पर लूप बन गया, क्या बन गया, हेयर पिन लूप बन गया, हेयर पिन लूप।
अभी से हेयर पिन लूप को क्या करता है, क्या करता है, रिमूव करना पड़ता है। किस एंजाइम के द्वारा? न्यूक्लियस S1 एंजाइम के द्वारा। S1 न्यूक्लियस एंजाइम इसमें यूज लेते हैं और ये क्या कर देता है, ये जो लूप है उसको कट कर देता है और हमारे पास डबल स्टैंडर्ड cDNA प्राप्त हो जाता है। और इस cDNA से हम और सारे मल्टीपल कॉपी PCR रिएक्शन के द्वारा बना सकते हैं। PCR क्या होती है मैं पहले बता चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि PCR कैसे कंप्लीट की जाती है। और फिर इन फ्रेगमेंट्स को हम अलग अलग होस्ट में एंटर करवा देते हैं और cDNA लाइब्रेरी का निर्माण हो जाता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से mRNA का आइसोलेशन किया जाता है और फिर mRNA से हम किस प्रकार से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा cDNA का सिंथेसिस कर लेते हैं। तो अभी भी कोई डाउट रह रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।